शासन के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार दुकानों को मिली छूट को लेकर बुधवार को सिटी मजिस्ट्रेट ने महानगर के विभिन्न क्षेत्रों की दुकानों का निरीक्षण किया। इस संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि लॉकडाउन 4 के लिए सरकार की तरफ से विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुआ है। उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा अलग से निर्देश जारी हुआ है कि महानगर में कौन कौन सी दुकानें खुलेंगी और उसका समय निर्धारित कर दिया गया है। उसी क्रम में शहर भ्रमण किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, देखिए लॉकडाउन 4 के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं सरकार की तरफ से। उसी क्रम में डीएम साहब द्वारा अलग से निर्देश जारी किए गए हैं कि कौन कौन दुकानें, एक रोस्टर बना दिया गया कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी और एक समय डिसाइड कर दिया गया है। तो उसी का अनुपालन करने हेतु आज मेरे द्वारा शहरी क्षेत्र का भ्रमण किया गया। तो इसमें मुख्यतः कोतवाली क्षेत्र से संबंधित जो दुकानें हैं और साहबगंज मंडी का निरीक्षण किया गया और इसमें यही सुनिश्चित किया गया कि जो दुकानें हैं वो समय खुल रही हैं, बंद हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। इसके अलावा उनको सैनिटाइज़ किया गया कि जो रोस्टर है उसी के हिसाब से आप काम करें। उन दुकानों पर उनके पास सैनिटाइज़र मास्क है कि नहीं, इसकी व्यवस्था चेक की गई। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का पालन हो रहा है कि नहीं, ये चेक किया गया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें ये बताई गई वहाँ पर कि जो जनरल स्टोर हैं, किराना स्टोर हैं, प्रोविजन स्टोर्स हैं और इसके अलावा जो बेकरी की दुकानें हैं तो उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि अपने आप भीड़ बिल्कुल नहीं लगवाएंगे और उनको सिर्फ होम डिलीवरी करनी है। तो उनको होम डिलीवरी के माध्यम से अपना सामान ग्राहकों को बेचना है और अपनी दुकानों के आगे वो अपना नंबर चस्पा कर दें, व्हाट्सएप नंबर, जिस पर अपना होम डिलीवरी करा के वो सामान बेचेंगे। तो किसी भी ऐसी दुकानों पर जो किराना, जनरल स्टोर या बेकरी हैं उस पर पब्लिक को नहीं जाना है, वो अपना ऑर्डर कर सकती है, उनके घरों पर ऑर्डर पहुँच जाएगा। तो ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं और ये निरीक्षण रोज चलता रहेगा जिससे जो भी इंस्ट्रक्शन जारी हुए उसका अनुपालन कराया जा सके।